मंगलता बनाने जा रहे हैं, जिसके स्टफिंग के लिए हम लिए हैं मावा। ये मावा है, ये नारियल कटा हुआ नारियल गढ़ी है, सूखा नारियल, काजू है, बादाम है, किशमिश है, इलायची लिए हैं और ये पिसा हुआ चीनी है। ये स्टफिंग के लिए तैयार किए हैं। उसके बाद मैदा हम छान के हम रखें रेस्ट के लिए देंगे, उसके बाद बनाएंगे। हम आपको रेसिपी दिखाते हैं। ये लौंगलता के लिए स्टफिंग है। लौंगलता के लिए चाशनी बना रहे हैं, जिसमें चीनी लिए हैं एक कटोरी भर के, और उसमें पानी डाल के एक कटोरी इसको चाशनी बनने देंगे। इसको खाली चीनी घुलने तक हम चाशनी बनाएंगे। इसमें तार नहीं बनाना, थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा, फिर हम इसको उतार लेंगे। आपको दिखाते हैं। इसमें इलायची का दाना डाल रहे हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। दो तीन इलायची और इसका ये भी डाल देने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको बाद में हम छान लेंगे। क्रश करके इलायची के दाने को डाल देते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए अभी चिपचिपा हो गया है, अभी इसको ज्यादा नहीं करेंगे गाढ़ा चाशनी, अभी इसको हम उतार लेंगे, ठंडा होने देंगे। लौंगलता के लिए मावा लिए हैं, इसको भी भून लेंगे हम अच्छे से, इसे तोड़ तोड़ के। भून के रख लेंगे। भून लेने से आपका जो भी मिठाई बनाते हैं गुजिया, तो इसी तरह आप गुजिया में भी भून के डाल सकते हैं, बना सकते हैं, स्टफ कर सकते हैं। और ये आपको 15 दिन तक आप खा सकते हैं। अगर कच्चा हुआ मावा डालिएगा तो आप जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए भून लिया जाता है इसको। देखिए मावा भून गया है, अभी इसको निकाल लेंगे हम। मैदा को पहले चाल लेंगे हम, लौंगलता के और गुजिया गूंदेंगे, अच्छे से चाल लेंगे, गंदगी हो चाहे गुठली हो सब निकल जाएगा चाल लेने से। अच्छा है मैदा, इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा निकल। बेकिंग पाउडर थोड़ा डाल रहे हैं, ऐसे खस्ता बनेगा अच्छा। सोडा नहीं डाले हैं, बेकिंग पाउडर डाले हैं। एक चुटकी हम नमक डालेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। इतना मैदा में इतना सारा नमक हम थोड़ा सा डाल रहे हैं, इकट्ठा करके इस तरह से गोल बना के। इसमें तेल का भी डाल सकते हैं, हम तेल का डाल रहे हैं। इसका आटा कड़ा गूंदना है, पूरी रोटी चपाती के से थोड़ा कड़ा रहेगा। कचौड़ी बनाते हैं जिस तरह, उसी तरह इसका कड़ा थोड़ा रहेगा। इसको अच्छे से मिला लेंगे, मोइन को खूब अच्छे से मिला लेंगे पहले, तब इसको पानी डालेंगे। ये अच्छे से मोइन मिल गया है पूरे में। देखिए इस तरह बंधने लगे तो सोचिए कि मोइन अच्छा पड़ा है, इसमें मुट्ठी बनने लगे तो ये अच्छे से बन गया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एक बार पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको आटे को गूंदेंगे मैदा। आटा को मिला लिए हैं, इसको गीला कपड़ा से ढक के इसको 15-20 मिनट आधा घंटा जितना आपको टाइम मिले इसको छोड़ दीजिए रेस्ट के लिए। उसके बाद फिर बनाते हैं हम। खोआ को भून के रखे हैं, इसमें हम चीनी ड्राई फ्रूट ये सब मिलाएंगे। लौंगलता के लिए इसको स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा गरी, सूखा गरी है ये, बहुत अच्छा लगता है, क्रंची मुंह में जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा बादाम, थोड़ा काजू, थोड़ा गार्निश करने के लिए हम रख लिए हैं।
बनाना है उस हिसाब से आप, हम चीनी में ही इलायची पीस दिए हैं इसलिए अलग से इलायची पाउडर नहीं डाल रहे हैं। आपको जितना मीठा खाना है उसी हिसाब से आप इसको डालिएगा। इसका चाशनी में भी लौंग लता को डालेंगे इसलिए इसमें थोड़ा चीनी हम कम डाल रहे हैं। ये लौंग लता का स्टफिंग तैयार हो गया है, इसको अच्छे से मिला दिए हैं सब कुछ। अब इसको जब बनाएंगे तो स्टफ करके बनाएंगे। देखिए रेस्ट हो गया है इसको, अब इसको थोड़ा गूंथ लेंगे हम, चिकना कर लेंगे थोड़ा गूंथ के। आधा आटा को हम कपड़े में लपेट के रख दिए कि सूखे नहीं, और आधा को हम लोई बना रहे हैं, नहीं तो सूख जाएगा तो अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए हम आधा को अलग रख दिए। छोटे छोटे लोई निकाल लेंगे हम, सब पेड़ा को हम पहले बना लेंगे उसके बाद फिर हम उसका पूरी बनाएंगे। हाथ पर दबा दबा के चिकना करके उसको पेड़ा ऐसा बना के रख लेंगे। देखिए सब लोई को सब पेड़ा बना लिए हैं, अब एक एक लोई लेके थोड़ा मैदा लगा के इसको बेलेंगे। इसको बराबर में बेलना है, इसका सब तरफ बराबर होना चाहिए। न ज्यादा पतला न ज्यादा मोटा, इस तरह का होना चाहिए। आपको बड़ा बनाना है तो बड़ा लोई लीजिए, हम छोटा बना रहे हैं तो छोटा लोई लीजिए। इसमें स्टफिंग डाल देंगे, चारों तरफ से पानी लगा देंगे इसमें। जैसे आप समोसा को मोड़ते हैं पानी लगा के तो चिपक जाएगा पानी लगाने से। इसके ऊपर इस तरह चिपका देंगे, अच्छे से दाब देंगे कि चिपक जाए। ये दूसरा जो है इसका इधर से ऐसे मोड़ देंगे। इसको इस तरह से मोड़ देंगे, पॉकेट बना देंगे, ऊपर से एक लॉन्ग को लगा देंगे कि खुले नहीं। इसी तरह बना बना के रख लेंगे पहले, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। धीरे धीरे सबको पलट देंगे एक एक करके, हल्का से हल्का, देखिए गुलाबी हो गया है। दूसरे साइड भी पकने देंगे थोड़ा थोड़ा, फिर उल्टा पलटा के इसको अच्छे से हल्का गुलाबी तक वो कर लेंगे, भून पका लेंगे। देखिए हो गया है हल्का गुलाबी, गुलाबी हो गया है ये। अब इसको हम निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगा। अब इसको एक एक करके निकाल लेंगे सबको प्लेट में।
इसी तरह दूसरा बैच भी इसी तरह डाल देंगे, चाशनी में डाल देंगे एक एक करके। 5 मिनट तक इसको इसी में रखेंगे, 5 मिनट के बाद निकाल देंगे इसको चाशनी से बाहर, कि चाशनी अच्छे से इसमें लिपट जाए, उसके बाद फिर निकाल लेंगे हम। थोड़ा ही छोटा बर्तन है, बड़े बर्तन में हम डाल के आपको दिखाते हैं। इसको निकाल लेंगे हम, ज़्यादा देर नहीं रखना है। ऊपर कोटिंग हो गया है, अंदर जाने का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पिचपिचा हो जाएगा। ऊपर कोटिंग में चढ़ जाता है रस, तो निकाल लेते हैं एक एक करके। देखिए ऊपर चढ़ गया है रस, लौंग लता बनके तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ा बादाम और काजू से गार्निश कर लेंगे हम, थोड़ा थोड़ा ऊपर डाल देंगे। अच्छे से गार्निश कर दिए हैं इसको, बहुत अच्छा बना है और बहुत टेस्टी बना है। अब एक बार बनाइए, ट्राई जरूर कीजिए, बहुत खाने में अच्छा लगता है। और ये आप बना के सूखा बनाइएगा तो आप 1 महीना तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं। तो बनाइए, खाइए और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा मेरा रेसिपी आपको। और मेरे चैनल पर और भी स्वीट्स के रेसिपी डले हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और हैप्पी होली सभी व्यूअर, सभी बड़े छोटों को शुभकामनाएं होली का, और हैप्पी होली। और बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू।